हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हमने काफी अपने जो लास्ट कुछ लेक्चर्स थे डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को, रिसर्च मेथोलॉजीज के पार्ट को और नंबर सिस्टम यानी जो आईसीटी का पार्ट है, काफी हमने लोगों ने लेक्चर्स उसके देखे, कॉन्सेप्ट्स को देखा और हमने डिफरेंट डिफरेंट सिलेबसेस को देखा जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यूजीसी नेट के आते हैं। तो आज हम फिर से एक सिलेबस को देखेंगे जो पीपल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी काफी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और हमेशा पिछली जो हिस्ट्री है उसके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स ने काफी मुझे मेल किया कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को आपने सीरीज को बंद कर दिया है क्या, या आरएम की सीरीज को बंद कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनको आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा, पर जो अभी हमारा जो मेन मकसद ये है कि पेपर नंबर वन को हम इतना उसे कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट उसका 80-90% सिलेबस हम उसको कंप्लीट कर लें, देन रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा मैं उसको जल्दी आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पार्ट्स जिनको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक्स को लिखवाया था उनके वीडियो में आप लोगों के सामने लेक्चर्स को जरूर प्रस्तुत करूंगा, ये तो एक ये बात हो गई। साथ में जो आपकी प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, आप प्लीज और थोड़ा अच्छी तरह तेजी से कर दीजिए, क्योंकि अभी हार्डली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 70 डेज बचा है। तो 70 डेज के अंदर जितना भी आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और आप प्लीज प्रेशराइज ना हो, अपने को करें टेंशन किसी भी तरह को क्रिएट ना करें, बट आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो पढ़ाई करिए। हाँ, काफी लोग ये मेल किया मेरे को कि सर हम जॉब में हैं, हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई से, तो आप कोशिश करिए या तो आप मॉर्निंग का स्लॉट अपने लिए फ्री रखिए या इवनिंग का स्लॉट अपने लिए फ्री रखिए, जिससे कि कम से कम आप जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी स्टडी की नंबर ऑफ आवर्स है उसे कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप फिर रिविजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, और किसी भी एग्जाम के लिए रिविजन करना बहुत जरूरी होता है। ये तो ये बात हो गई, और साथ में स्टूडेंट जो आपके एग्जाम निकला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है यूजीसी नेट का, उसे आप प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करें। ठीक है, तो ये तो सारी हमारी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई बात। काफी लोगों ने मुझे मैथमेटिक्स की वीडियो बनाने के लिए बोला है और जीएस की वीडियो बनाने के लिए बोला है हिंदी मीडियम में, देन स्टूडेंट्स आप थोड़ा वेट करिए, मैं बहुत जल्दी इनके जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के और जीएस के मैं पूरी सीरीज आप लोगों के सामने पूरी प्रस्तुत करूंगा, और जीएस के मैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, सभी पार्ट को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो आपके आपसे जो मेरा वार्तालाप है। देन आज के इस टॉपिक के बारे में बात करें, पीपल एंड एनवायरमेंट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी काफी टॉपिक हैं, बट मैंने इसको अभी छोड़ दिया है, उनको नाम नहीं लिखा है, अगर मेरे को लगेगा तो मैं उनको भी जरूर आपके सामने उनको नाम लिख के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देन ठीक है, तो चलिए हम अपना करते हैं। देखिए, सबसे पहला किसी भी पीपल एंड एनवायरमेंट में जो टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट या एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट से हम क्या समझते हैं, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है उसका, कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट के, तो उससे क्या समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स की एनवायरमेंट्स की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका एनवायरमेंट्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। देन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं, किस साइंटिस्ट ने रिसर्चर ने इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन थी उसको प्रतिपादित किया यानी उसको बताया, और उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम इकोसिस्टम से जो बना हुआ है, तो इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है ये हम देखेंगे। देन इसके बाद है एनवायरमेंटल चैलेंजेस, 21st सेंचुरी के कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल चैलेंज है, जो मेजर चैलेंजेस है जो हमारे सामने आएंगे और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसको अपनी अपने को उससे दूर कर सकते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन क्या है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। देन इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं एनवायरमेंट के जिससे हमारा एनवायरमेंट दूषित हो रहा है, और किससे हमें लग रहा है कि हमारा एनवायरमेंट पर उसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो मैन मेड हो सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, और उन फैक्टर्स का कैसे हम उनको कम कर सकते हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट को हम बचा सके। देन नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ से हम क्या समझते हैं, कितने तरह की वाइल्ड लाइफ होती हैं, और उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या 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 कदम उठाए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नेचुरल बायोस्फीयर्स होते हैं, नेचुरल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है ये हम उसमें देखेंगे। ओके, चलिए इसके बाद अब देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है
वाइल्ड लाइफ यहाँ पे जानवरों से है, वो हमारी पृथ्वी पर रहने वाली हो सकती है, पानी में रहने वाली हो सकती है, मतलब लिथोस्फेयर में हो सकती है, वाटर बॉडीज में हो सकती है। तो क्या क्या ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो पानी में रहती है और धरती पर रहती है, भूमि पर रहती है, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से उनके प्रोटोकॉल्स हैं, ये देखा जाएगा। देन प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप की हमने प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज को बनाया है, और हमने कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहते हैं। हमारे इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज हमने बनाई हैं, प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए हैं। वर्ल्ड लेवल पर हमारी इतनी बातें हो रही हैं, वर्ल्ड लेवल पर इतने हमारे समिट्स हो रहे हैं, और जैसे वर्ल्ड समिट्स हो रहा है, ये क्या है, अर्थ समिट्स हो रहे हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या अर्थ होता है, इससे कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को, तो सारी के सारे डिस्कशन को पढ़ेंगे। देन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस कराती है, जो मीट आपस में एक या दो साल के अंदर मिलते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को उन्होंने बनाया है, जैसे ओजोन को कम करने, ओजोन की जो लेयर हमारी धीरे धीरे कम हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, कौन कौन से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कम कर रहे हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। देन मेजर इंडस्ट्रीज कौन है हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, जिससे इंडस्ट्री से मतलब हमारा कोल इंडस्ट्री हो सकती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो सकती है, ऑयल इंडस्ट्री हो सकती है, और इनकी करंट जो डेटा है, कितना कोई तेल कंजम्पशन हो रहा है या फिर किसी चीज का एनर्जी का हम सोर्स का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, करंट डेटा हम इसके सारे के सारे इसके बारे में देखेंगे। जैसे कोल इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर से बना पा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से बना पा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर से बना पा रहे हैं, तो सारा का सारा करंट डेटा हम मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर चेकआउट करेंगे। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तो डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट तो हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, हमारे कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें हम अल्टीमेटली हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन को हमें सस्टेन करना है, सर्वाइव कराना है, तो कैसे हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी जो खुद की जो जरूरत है उसको पूरा करें, साथ में हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना है इन्वायरमेंट के साथ, और जिससे कि पूरी की पूरी जो अर्थ है हमारी प्रोटेक्ट हो सके, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इफेक्ट्स है पॉल्यूशन के, पॉल्यूटेंट्स के, वो कम हो पाए। देन पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या अर्थ होता है, हमारे पास ऐसी हार्मफुल गैसेस है, कौन कौन सी ऐसी हार्मफुल गैसेस है, तो क्या अर्थ है पॉल्यूटेंट्स का, क्या क्या गैसेस हैं, तो ये सब हम इसमें अंदर चेकआउट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, क्योंकि ये देखिए डिजास्टर्स जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो पिछले 10 साल के अंदर काफी बढ़ गई हैं, इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कुछ ऐसे भी ऐसी आपदाएं भी है जो कि मैन मेड है, यानी एक तरह से मानव निर्मित है, तो किस तरह से हम उन नेचुरल डिजास्टर से बच सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर से बच सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम इसके अंदर चेकआउट करेंगे। देन प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है टाइगर प्रोजेक्ट्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट, डॉल्फिन प्रोजेक्ट्स, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जानवरों को बचाने के लिए हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट्स को हमने बनाया है, उनको हमने प्रतिपादित किया, किस ईयर में, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट्स किस ईयर में बना था, एलिफेंट प्रोजेक्ट किस ईयर में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, तो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। देन गंगा एक्शन प्लान, क्या है गंगा एक्शन प्लान, जैसे अगर बोला जाए कि गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में आया था, तो 1986 में जिस समय राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था, बट अब गंगा एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस आए हैं, हमें गंगा को बचाने के लिए, अपनी गंगा नदी को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, और कौन कौन से ऐसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे हम गंगा को बचा रहे हैं, तो सारी की सारी चीजों को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। देन सॉइल एंड इट्स इरोजन, जैसे हमारा सॉइल को हिंदी में कहते हैं मृदा, और मृदा अपरदन, तो ये क्या है मृदा, कैसे हम इसके इरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ये इरोजन जो है एक तरह की एनवायरमेंट का चैलेंज है 21st सेंचुरी की, जिसके अंदर जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे हम मिट जाती है, जो उस ऊपर की परत को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, और क्योंकि अल्टीमेटली जो प्लांट्स जो उगते हैं वो ऊपर की परत पे उगते हैं, तो कैसे हम उसके अंदर डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ये इसके अंदर देखेंगे। देन इंस्टीट्यूशंस एंड प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन एंड प्लानिंग का मतलब है जो हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमारे देश के अंदर जो ऐसे ऐसी ऐसी बातों का एक तरह से जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो उनके अंदर उनका सुलह कराता है,
और वो क्या क्या है सब देखेंगे, और साथ में हम लोगों ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये देखेंगे इसमें। देन क्रॉपिंग एंड फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न क्या है, फार्मिंग पैटर्न क्या है हमारे देश का, और कैसे वो इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कैसे चेंज होता हुआ आ रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और क्रॉपिंग पैटर्न हमारे देश के अंदर जैसे राइस है, वीट है, इनका जो कल्टीवेशन है किस किस पार्ट में कितना कितना कल्टीवेट होता है ये हम सारा का सारा इसमें देखेंगे। देन डिसीजेस कौन सी हैं आज के 21st सेंचुरी के अंदर, जैसे वायरल डिसीज हो सकती है, फंगल डिसीज हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज हो सकती है, प्रोटोजोआ डिसीज हो सकती है, तो ये डिसीज क्या है और कैसे इनके सिम्टम्स क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इन डिसीज को कैसे नेचुरली इनको हम रोक सकते हैं ये हम इसमें चेकआउट करेंगे। देन नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर, और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से हम कैसे एक दूसरे मतलब उनकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम है, तो इन कोल पेट्रोलियम के कैसे अल्टरनेटिव हो सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के, ये भी हम देखना पड़ेगा कैसे। देखिए जैसे कि जैसे वाटर है, वाटर एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है, और ये वाटर भले ही नदी में मौजूद हो या समुद्र में मौजूद हो दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समुद्र में अगर वाटर मौजूद नहीं हो कहते हैं कि समुद्र का पानी हम पी नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल सही है, बट समुद्र का पानी वहाँ की जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से ऑयल स्प्लिटिंग होता है, ऑयल एक तरह से ऑयल पूरा फैल जाता है समुद्र के अंदर, ऐसी बहुत सी आपने ऐसी कंडीशंस देखी होंगी, ऐसे ऐसे बहुत से इवेंट्स देखे होंगे, तो कैसे उन ऑयल स्प्लिटिंग को हम रोक सकते हैं, सारी की सारी चीजों को हम देखेंगे। देन फूड्स एंड मिनरल्स, फूड चेन पढ़ा है आपने, फूड फार्मिंग पढ़ा है, फूड का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, तो क्या है फूड का मतलब और फूड चेन में क्या क्या चीजें होती हैं, मिनरल्स क्या है, नॉन मिनरल्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें फूड के अंदर हमारे लिए मेजर कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी खाने के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, इन सारी चीजों को हमें पता होना जरूरी है। देन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको हम सोर्सेस उनके सोर्स को बढ़ा रहे हैं या फिर हम कम कर रहे हैं, तो क्या क्या इसके आज के सोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पहले केवल कोयले से बनती थी, अब वाटर से बननी स्टार्ट हुई फिर बीच में, अब धीरे धीरे हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाई है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, किस तरह से हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इस सारी चीजों को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो मोटे मोटे रूप से 19 से 20 टॉपिक थे हमारे जिनको हमें आगे चेकआउट करना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको और भी हम डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन सी चीजें हैं हमारी ये हम इसके अंदर चेकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे लेक्चर से बात है, अब मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक के नाम बताऊंगा आपको, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इस कंपोनेंट, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज, देन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, देन मेजर इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द हार्मफुल पॉलिटिक्स फॉर आवर वर्ल्ड, एंड देन द नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर प्रोजेक्ट्स, गंगा एक्शन प्लान, सॉइल एंड इट्स इरोजन, देन इंस्टीट्यूशंस एंड प्लानिंग, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग, डिसीजेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड मिनरल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे जो 1920 टॉपिक्स से जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक रह जाते हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके लेक्चर्स की बात हो गई, इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है अपनी प्रिपरेशन के समय में या फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको पता ही होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, वैसे ईमेल मेरा आईडी है sandeep2006@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप जोर शोर से रखिए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के जो मैथमेटिक्स और जीएस की जो सीरीज है, जो आप बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर जीएस में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आती है क्या क्या है, क्योंकि उसमें काफी स्टूडेंट्स अपने इतना मनी खर्च करते हैं पढ़ने के लिए, बुक्स इतनी परचेस करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत से तो ऐसे गरीब परिवार से हैं जिनके लिए मनी जुटाना, उन रिसोर्सेज को जुटाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।